नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। दूल्हे ने दुल्हन के सामने रखी वर्जिनिटी टेस्ट की मांग, बिन दुल्हन ही लौटी बारात। आज के आधुनिक युग में भी लोग अजीब गरीब चीजों की मांग करते हैं। आए दिन ऐसे अजीब मामले देखने को मिलते रहते हैं। ताज़ा मामला प्रकाश में आया है बिहार के मोतिहारी जिले से, जहां दूल्हे ने दुल्हन से वर्जिनिटी टेस्ट की मांग रख दी। दरअसल शादी के बाद विदाई के समय दूल्हे ने दुल्हन की वर्जिनिटी टेस्ट के बाद साथ रखने की कही बात। दूल्हे की डिमांड सुनकर दुल्हन पक्ष के लोग भड़क गए और बारात को बंधक बना लिया। दो दिन तक पंचायत हुई लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच दूल्हा पक्ष ने तुरकोलिया थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाए। मामला तुरकोलिया थाना के चारगाह का बताया जा रहा है। बारात बेतिया जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र से आई थी। चरगाहा में दुल्हा समेत आधा दर्जन बाराती दो दिनों से बंधक बने हैं। दुल्हा के परिजनों ने बारातियों को छुड़ाने के लिए थाने में आवेदन दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने में जुटी है। बताया जाता है कि तुरकोलिया थाना के चारगाहा में मझौलिया थाना क्षेत्र के अहवर शेख गांव के निर्मल बैठा के पुत्र सूरज बैठा की बारात आई थी। यहां सूरज बैठा की शादी स्वर्गीय गुदरी बैठा की बेटी नीतू कुमारी के साथ 16 नवंबर को थी। बैंड बाजे के साथ बारात चढ़ी। सभी बारातियों ने नाश्ता खाना खाया। फिर जयमाला में दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को माला व अंगूठी पहनाए। शादी में जितनी रस्में होती हैं, वो सभी धूमधाम से हुई। बारात विदाई होने की बात आई तो लड़का और लड़की पक्ष में किसी बात को लेकर तू-तू, मैं होने लगी। दूल्हा पक्ष का आरोप है कि लड़की वालों ने पेपर बनाने की बात कही है ताकि उनकी लकड़ी को ससुराल में दिक्कत ना हो। इस पर दूल्हे को गुस्सा आ गया। दूल्हे ने लड़की के घर वालों से कहा कि पहले आप अपनी बेटी का मेडिकल टेस्ट कराए कि वो वजन है कि नहीं। अगर टेस्ट में पास होगी तब मैं उसे अपने साथ रखूंगा। दूल्हे की बात सुनकर गांव के लोग आक्रोशित हो गए और धक्का मुक्की करने लगे। लड़की पक्ष का कहना था कि लड़का शराब पीकर आया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि लड़की पक्ष के दूल्हा, उसके पिता, दो बहनोई और तीन गाड़ियों के साथ उसके ड्राइवर को बंधक बना लिया। वहीं लड़की की विदाई नहीं करने व जो लड़की शादी में खर्च हुआ है उसकी भरपाई करने के बाद ही बंधक बने दूल्हा और अन्य को छोड़ने पर लड़की पक्ष अड़ा हुआ है।